बुक एक एक लाइन से सवाल बनाया गया है और उसका सही एक्सप्लेनेशन आपको मैं चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा, क्यों कोई ऑप्शन गलत है, क्यों कोई ऑप्शन सही है, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सवाल है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रहा है कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट के कोर फंक्शन को। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है मैनेजिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पहला कह रहा है कि मैनेजिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विथ मैच्योरिटी एक्सीडिंग वन ईयर। देखिए ये ऑप्शन सजेस्ट कर रहा है कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट प्राइमरीली वैसे इन्वेस्टमेंट से डील करता है जो कि लंबे अवधि के तक लास्ट होता है, एक साल से ज़्यादा तक। लेकिन ट्रेजरी हैंडल करता है कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, जैसे बॉन्ड हो गया, स्टॉक हो गया, लेकिन इसका मेन जॉब तो यहाँ पे फोकस नहीं है, वो बेसिकली शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड को हैंडल करने के रिगार्डिंग है, तो ये तो गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है कि प्राइमरीली फोकस ऑन शॉर्ट टर्म फंड विद मैच्योरिटी लेस देन वन ईयर। देखिए ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट मेनली कंसंट्रेट करता है शॉर्ट टर्म मनी में, यूजुअली लेस देन वन ईयर। मतलब आप कैश फ्लो को मैनेज कीजिए ताकि आप श्योर कर सकें कि आपके पास इनफ पैसा हो ताकि आप एवरीडे एक्सपेंस को कवर कर पाए। ऑप्शन बी परफेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन सी कह रहा है कि डील सोलली विद गवर्नमेंट इशू सिक्योरिटी। देखिए ट्रेजरी डिपार्टमेंट वनली गवर्नमेंट रिलेटेड फाइनेंशियल स्टफ से डील करता है, ये गलत है। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हैंडल करता है जैसे बॉन्ड्स हो गया, लेकिन ये लिमिटेड नहीं है वहाँ तक, इसीलिए ये भी गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है हैंडल बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। देखिए ये बिल्कुल सही है, लेकिन ट्रेजरी डिपार्टमेंट दोनों को हैंडल करता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कोर फोकस, तो मेन फोकस है शॉर्ट टर्म पे ना कि लॉन्ग टर्म पे। तो बेसिक चीज समझ में आ गया आपको। चलिए ऑप्शन बी क्यों सही जवाब है, होपफुली आप कंसेप्ट क्लियर है। ऑप्शन नंबर टू को देखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टू में पूछा जा रहा है कि जो SLR होता है, स्टैटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, वो अलाउ करता है ट्रेजरी डिपार्टमेंट को वो कि वो अपने यूजुअल फोकस से डेविएट करे। शॉर्ट यूजुअल फोकस क्या है ट्रेजरी डिपार्टमेंट का, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, लेकिन SLR रिक्वायरमेंट अलाउ करता है ट्रेजरी डिपार्टमेंट को वो उससे डेविएट करे। अब ये जो एक्सेप्शन है वो कैसे काम करता है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट का फोकस होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन जो SLR है वो उसको डेविएट करता है, तो ये एक्सेप्शन कैसे काम करता है, ये ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ऑल SLR इन्वेस्टमेंट मस्ट हैव मैच्योरिटी एक्सीडिंग वन ईयर। देखिए ये ऑप्शन लेकिन ये सही नहीं है, कुछ इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म भी होता है, तो कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि उनको शॉर्ट टर्म ही होना है। ऑप्शन बी कह रहा है कि SLR रिक्वायरमेंट द ट्रेजरी कैन होल्ड अ लिमिटेड पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी टू मीट SLR। देखिए SLR रिक्वायरमेंट कहता है कि बैंक के डिपॉजिट का एक हिस्सा जो है स्पेसिफिक सिक्योरिटी में आपको इन्वेस्ट करना है, तो दोस्तों ये सभी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म होते हैं, जैसे बॉन्ड हो गया जो कि एक साल से कम अवधि में मैच्योर होगा, तो एक स्मॉल अलाउंस होता है टू बी लॉन्गर टर्म ओवर द ईयर। ऑप्शन सी कह रहा है कि SLR मैंडेट सोलली फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड, ये गलत है। SLR के अंदर बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट आते हैं एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन डी कह रहा है कि दे आर नो एक्सेप्शन टू द ट्रेजरी फोकस ऑन शॉर्ट टर्म फंड, ये गलत है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट लाइक SLR नेसेसिटेट होल्डिंग ए स्पेसिफिक परसेंट ऑफ डिपॉजिट इन सर्टेन अप्रूव्ड सिक्योरिटी मैच्योरिटी लेस एक्सीडिंग वन ईयर, ठीक है। SLR के अंदर कुछ ऐसे भी सिक्योरिटीज होते हैं जिसको हम लोग एक साल से ज्यादा तक होल्ड करते हैं, राइट। ऑप्शन बी परफेक्ट है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द स्कोप ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट विद इन द ट्रेजरी फंक्शन। देखिए दोस्तों सवाल है कि रिस्क मैनेजमेंट का कौन से स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट किया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट केवल ध्यान देता है वैसे रिस्क पे जो कि शॉर्ट टर्म स्टफ से, शॉर्ट टर्म एसेट से रिलेटेड है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट सोलली फोकस ऑन शॉर्ट टर्म एसेट, क्या लगता है आपको। तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट जो है ना ट्रेजरी फंक्शन में वो खाली शॉर्ट टर्म को नहीं फोकस करता, लॉन्ग टर्म को ही फोकस करता, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन भी कह रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट केवल वैसे रिस्क वाट केयर करता है जो कि ओवर अ लॉन्ग टाइम होता है, इन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिस्क को, लेकिन ये भी गलत है। रिस्क मैनेजमेंट जो है डिफरेंट टाइम फ्रेम में रिस्क को देखता है, केवल लॉन्ग टर्म में नहीं देखता। ऑप्शन सी कह रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट इनकम पास द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ द ट्रेजरी फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूडिंग शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। रिस्क मैनेजमेंट जो ट्रेजरी फंक्शन का होता है ना ये सभी चीज को देखता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, ये श्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। और ऑप्शन डी भी एक बार देख लेते हैं, ऑल्दो ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन डी कह रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट प्राइमरली कंसर्न फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन एंड इंटरेस्ट रेट मूवमेंट। तो दोस्तों ये सभी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यही ये वही चीज नहीं है जहां के रिस्क मैनेजमेंट देखता है, ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है और ये वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल रिस्क को भी कवर करता है। तो ऑप्शन सी हम यहां पे विनर है,
राइट, ऑप्शन सी इज द विनर हेयर. अगला सवाल है कि फिल इन द ब्लैंक्स. इंटीग्रेटेड ट्रेजरी इन द बैंक इन्वॉल्व द यूनिफिकेशन ऑफ. अब जो हमारा इंटीग्रेटेड ट्रेजरी है इसके अंदर किन किन चीज़ों का यूनिफिकेशन है. ऑप्शन ए कह रहा है हमारा कि सेविंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एंड लोन एप्लीकेशन. तो देखिए ये ऑप्शन बता रहा है आपको इंडिविजुअल बैंकिंग सर्विस किसी कस्टमर के लिए, जैसे सेविंग पैसा सेव करो, इन्वेस्ट करो, लोन के लिए अप्लाई करो, ये तो गलत है. ऑप्शन बी कह रहा है मनी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन. ये बिल्कुल सही है. इंटीग्रेटेड ट्रेजरी में क्या होता है कि बैंक किस प्रकार से अपने शॉर्ट टर्म कैश को हैंडल कर रही है, ठीक है, किस तरह से उसका अपना इन्वेस्टमेंट हैंडल कर रही है, राइट, अब किस तरह डील कर रही है करेंसीज के साथ, जैसे डॉलर हो गया, ये सभी चीजें आती हैं. तो ये तीन मनी रिलेटेड एक्टिविटीज है, मनी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट, तीनों का यूनिफिकेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी. ऑप्शन सी कर रहा है ब्रांच बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग. बेसिकली ये तीन तरीका है जिससे कस्टमर अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस करते हैं, तो ये भी नहीं होगा. ऑप्शन डी कर रहा है क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग, मर्चेंट सर्विस एंड पर्सनल लोन. तो बेसिकली ये बता रहा है कि कौन कौन से सर्विस बैंक अपने कस्टमर को ऑफर करते हैं, तो ये भी नहीं होगा. ऑप्शन बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. यदि आप एक ऐसे स्टडी मटेरियल की तलाश में हैं जिसमें आप सभी प्रकार के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएं, वो भी क्विज के फॉर्मेट में, ऑनलाइन टेस्ट के फॉर्मेट में, तो दोस्तों आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट प्लान. ये मॉक टेस्ट प्लान सभी सब्जेक्ट्स, सीआईबी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है. इसमें दोस्तों आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ. सबसे पहले आपको इसके अंदर डेली क्विजेज मिलते हैं, वीकली यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं, मंथली मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलता है. यानी दोस्तों 200 से ज़्यादा क्विजेज का सेट है. डेली क्विज यानी प्रत्येक दिन आपको 2 क्विज मिलेगा. प्रत्येक क्विज में 15 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा, 20 मिनट आपको समय दिया जाएगा. वो टॉपिक मैं आपको डेली बता दूंगा कि इस टॉपिक आपको पढ़ना है और आपको टेस्ट देना है. वीकली यूनिट वाइज मॉक टेस्ट 50 क्वेश्चन का सेट होता है जो कि वीकली कंडक्ट होता है. इसके अंदर दोस्तों आपको जो सप्ताह में आपने टॉपिक कवर किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं. इसके अंदर केस स्टडी भी इंक्लूडेड है. प्रत्येक क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन भी साथ मिलेगा. मंथली वाइज मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट में जैसे मॉड्यूल कंप्लीट होता है तो हम एक मॉक टेस्ट लेते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं. और फुल लेंथ मॉक टेस्ट में जैसे हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है तो हम लोग 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेंगे. तो फ्रेंड्स इसका कॉस्ट रखा गया है ₹200. आप ये स्केड्यूल देख सकते हैं, इस प्रकार से हमने स्केड्यूल तैयार किया है. और आप इस टेस्ट को कभी भी दे सकते हैं, अपने अनुसार कितने भी बार दे सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है. यदि आप इसमें इनरोल होना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, मुझे व्हाट्सएप करना है. ये प्रोग्राम तो मैंने आपको BFM का दिखाया, सिमिलर प्रोग्राम आप देख सकते हैं इस नंबर पर, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8292857381. डिस्क्रिप्शन में भी इस व्हाट्सएप नंबर लिखा गया है, वहां से भी आप मिल सकते, व्हाट्सएप कर सकते हैं. उसी तरह आप देख सकते हैं कि ये हमारा ABFM का प्लान है, ABFM का है, BVM का है और BRBL का. यदि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में इनरोल होंगे तो 200 पड़ेगा, यदि कंबाइंड पांचों सब्जेक्ट में इनरोल. आई थिंक यस दिस इज अ क्वेश्चन. ये हमने अभी देखा. ओके हाँ, यहाँ देखिए सवाल है कि द इमरजेंस ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रेजरी इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज प्राइमरली एट्रीब्यूटेड टू. यानी जो इंटीग्रेटेड ट्रेजरी आया हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में इसके पीछे क्या कारण है. ऑप्शन ए कह रहा है कि इंक्रीज फोकस ऑन कस्टमर सर्विस एंड ब्रांच नेटवर्क. मतलब कि इंटीग्रेटेड ट्रेजरी आया क्योंकि बैंक का फोकस था कि हम कस्टमर को खुश रखें, उनके ब्रांच को एक्सपेंड करें. तो ये सभी तो इंपॉर्टेंट है लेकिन डायरेक्टली जो है रिलेट नहीं करते इंटीग्रेटेड ट्रेजरी से. ऑप्शन बी कह रहा है कि किस प्रकार बैंक ने इंट्रोड्यूस किया नया डिजिटल स्टफ जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग. तो दोस्तों ये सभी चेंजेस जो है इसमें एडजस्टमेंट तो होती है लेकिन ये मेन रीजन नहीं है. ऑप्शन सी कह रहा है डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी. देखिए ये ऑप्शन सही है. इंटीग्रेटेड ट्रेजरी जो है ना इसलिए आया क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है टाइटली सरकार कंट्रोल नहीं करती थी और रूपी जो है फ्रीली एक्सचेंजेबल हो गया, राइट. तो ये सभी चेंजेस के कारण का मतलब ये हुआ कि बैंक को स्मार्ट बनना पड़ेगा अपने पैसे को मैनेज करने में अलग अलग मार्केट में, राइट. तो ये जो डीरेगुलेशन हुआ इंटरेस्ट रेट का, ठीक है, मतलब अब इंटरेस्ट रेट जो है सरकार के द्वारा टाइटली कंट्रोल ना होता था और रूपी जो है फ्रीली एक्सचेंजेबल हुआ, राइट. तो ये सभी चीज़ के कारण मतलब बैंक को स्मार्ट होना पड़ेगा अपने मनी को मैनेज करने में अलग अलग मार्केट में, जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज से डील करना, फॉरेन करेंसी से डील करना. ऑप्शन डी कह रहा है ग्रोइंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. देखिए फाइनेंशियल NBFCs जो है ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहे थे बैंक को, तो कॉम्पिटिशन तो एक अच्छा फैक्टर है इनोवेशन में, ये कोई प्राइमरी रीजन नहीं है इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का.
तो ऑप्शन सी याद रखिएगा कि इंटीग्रेटेड ट्रेजरी इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट किया जा रहा था, बैंक को ज्यादा कंट्रोल दिया गया उनके पैसे पे, और रूपी जो है पार्शियली कन्वर्टेबल हुआ, मतलब बैंक को फॉरेन करेंसी एक्सचेंज से भी डील करना पड़ा, समझे। तो दो चीजें के कारण जो है हमारा इंटीग्रेटेड ट्रेजरी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। अगला सवाल है कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, द रूपी इज फ्रीली कन्वर्टेबल ऑन बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब ये बताइए स्टेटमेंट सही है या गलत है, बहुत बढ़िया सवाल है। पहला कह रहा है कि ऑप्शन ए इज ट्रू। देखिए इंडिया ने प्रोग्रेस किया है कि रूपी को कन्वर्टेबल बनाया है सर्टेन पर्पज के लिए, लेकिन दोनों अकाउंट पे फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है कि कम्प्लीटली इनएक्यूरेट। तो रुपी जो है कम्प्लीटली लॉक्ड डाउन नहीं होता दोनों अकाउंट पे, ठीक है, तो ये गलत है। सी कह रहा है कि स्टेटमेंट इज पार्शियली ट्रू, रुपी इज फ्रीली कन्वर्टेबल ऑन करंट अकाउंट बट कन्वर्टेबिलिटी ऑन कैपिटल अकाउंट रिमेन पार्शियल। देखिए दोस्तों, रुपी जो है ना फ्रीली कन्वर्टेबल होता है कुछ ट्रांजेक्शन के लिए जो कि हमारे गुड्स एंड सर्विस के ट्रेडिंग से रिलेटेड है, जैसे हमने मान लीजिए किसी स्टफ को इंटरनेशनली खरीदा या बेचा। लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, लोन की, तो अभी भी रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन है जो कि आरबीआई ने इम्पोज करके रखा है। तो वही कह रहा है करंट अकाउंट पे तो फ्रीली कन्वर्टेबल है, मतलब करंट अकाउंट आप कैपिटल अकाउंट आप मतलब समझते हैं ना, करंट अकाउंट मतलब ये हुआ जहाँ पे हम सर्टेन एक्सपेंस के लिए पैसा भेज रहे हैं, मान लीजिए कि आप विदेश पैसा भेज रहे हैं मेडिकल एक्सपेंस के लिए या एजुकेशन फी के लिए, तो वहाँ पे तो फ्रीली कन्वर्टेबल है, मतलब आप जो कि ट्रेड से रिलेटेड है, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है, तो वहाँ तो आप करंट अकाउंट में फुल्ली कन्वर्टेबल है। लेकिन कैपिटल अकाउंट मान लीजिए कि आप जमीन खरीद रहे हैं विदेश में, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाल दिया गया है। तो फुल्ली कन्वर्टेबिलिटी ऑन कैपिटल अकाउंट अभी भी नहीं है, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑन कैपिटल अकाउंट है, समझ में आया आपको। चलिए, तो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का समझना बहुत जरूरी है, खासकर फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड पॉइंट में। अगला ऑप्शन है कि रुपी कन्वर्टेबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये गलत है। देखिए रिस्ट्रिक्शन तो है, खासकर कैपिटल अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन करंट अकाउंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, याद रहेगा आपको ये चीज। चलिए, तो दोस्तों देख सकते हैं आप इस प्रकार के एमसीक्यू सेशन को करने से आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता है, आप चीज़ों को समझ भी पाते हैं। जो चीज़ आपको क्लियर नहीं रहती हैं, हो सकता है कि बुक को पढ़ते वक्त आपको वो पॉइंट स्किप कर जाए, तो आप देख सकते हैं दिस इज द मोस्ट बेनिफिशियल सेशन फॉर यू। एंड इफ यू वांट सच टाइप ऑफ वीडियोज फॉर ऑल द लेक्चर ऑफ BFM, ABM एंड ऑल द सब्जेक्ट्स, प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, नंबर इज शोन ऑन द स्क्रीन। इस प्रकार के एमसीक्यू सेशन को यदि आप अवेल करना चाह रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको एक एक क्वेश्चन को समझाया जाएगा इस प्रकार से, ताकि कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि जो हमारे FDI, ECB, ODI पे जो रिलैक्स रेगुलेशन है, फॉरेन करेंसी ऑपरेशन पे जो रिलैक्स रेगुलेशन है, अब रुपी फुली कन्वर्टेबल हो गया है, फ्रीली कन्वर्टेबल हो गया है। अब ये स्टेटमेंट है सही है गलत है, ये बताना है। देखिए दोस्तों, ये गलत है, रिलैक्सेशन तो हुआ है रेगुलेशन के कारण, लेकिन फुली कन्वर्टेबल नहीं हुआ है। फिर कह रहा है कि कंप्लीटली इनएक्यूरेट है, ये भी गलत है। फिर सी कह रहा है कि रिलैक्सेशन इन दिस हैव इंक्रीज कन्वर्टेबिलिटी बट रुपी नॉट फुली गया, यस करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन, नो नीड टू डिस्कस अगेन। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि FDI पता होगा आपको, ECB पता है, ODI क्या होता है ये भी पता होगा, ठीक है। बैंक आर कैपेबल ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट वेरिएशन अक्रॉस डिफरेंट करेंसी, दिस इज अचीव बाय। तो बैंक जो है कैपेबल हैं कि वो एडवांटेज ले सकते हैं कि जो हमारा अलग अलग करेंसी है उसमें इंटरेस्ट रेट का वेरिएशन होता है, जैसे USD और INR देख लीजिए, दोनों का इंटरेस्ट रेट अलग अलग है, तो उसको कैसे बैंक एडवांटेज लेती है। पहला कह रहा है कि इंप्लीमेंटिंग स्ट्रिक्टर कैपिटल अकाउंट कैपिटल कंट्रोल लिमिटिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। देखिए ये सजेस्ट कर रहा है कि बैंक एडवांटेज लेती है इंटरेस्ट रेट डिफरेंस का, वो रूल को टाइटर बना देती है और करेंसी एक्सचेंज को लिमिट कर देती है, लेकिन ये तो केस नहीं है। यदि आप रूल को टाइट बना देंगे तो बैंक को इन सभी डिफरेंस को एक्सप्लॉइट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर बी कह रहा है कि बैंक केवल फोकस करेगी लोकल लैंडिंग पे, लोकल डिपॉजिट पे, जो हमारा इंटरनेशनल मार्केट का बेनिफिट है उसको इग्नोर करेगी। तो लेकिन ये ऐसा बैंक ऑपरेट नहीं करती है, उनके पास ग्लोबल मार्केट का भी एक्सेस होता है, तो ये भी नहीं होगा। आइए ऑप्शन सी को देखते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड। ऑप्शन सी कह रहा है कि यूटिलाइजिंग स्ट्रेटजीज लाइक शिफ्टिंग इन्वेस्टमेंट। देखिए ये सही बात है, बैंक क्या करती है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग करेंसी में मूव करती है ताकि जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है, जिसको हम लोग आर्बिट्रेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, आर्बिट्रेज बोलते हैं। आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस आर्बिट्रेज इन द यूनिट नंबर 1, इसलिए मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करवा रखा है। तो जैसे मान लीजिए कि वो क्या करेगी, एक करेंसी में पैसा बोरो करेगी, बैंक की बात हो रही है, बैंक एक करेंसी में पैसा बोरो करेगी जहां पे लो इंटरेस्ट रेट है, और उसको इन्वेस्ट करेगी वैसे करेंसी में जहां पे हायर इंटरेस्ट रेट है। ऑप्शन डी कह रहा है कि रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू द फॉरेन करेंसी अकाउंट फॉर बिजनेस एंड इंडिविजुअल। तो ये कह रहा है कि बैंक जो है रिस्ट्रिक्ट करे फॉरेन करेंसी अकाउंट के एक्सेस को, इस कारण से ये हार्डर होगा कि कैपिटलाइज कर सके इंटरेस्ट रेट डिफरेंस में, लेकिन ये भी हमारा सही स्ट्रेटजी नहीं है। तो सही जवाब क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द परफेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इच एंड एवरी क्वेश्चन क्लियरली एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक स्टेटमेंट दे रखा है कि बैंक कैन एसेस फॉरेन करेंसी फंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज।
क्या कर रहा है, सही है गलत है। तो देखिए बैंक एब्सोल्युटली ऑपरेट होता है फॉरेन करेंसी मार्केट में, तो वो फंड को एक्सेस कर सकता है अलग अलग करेंसी में, अलग अलग चैनल में, तो इसलिए गलत है। नहीं, ऑप्शन ये कह रहा है कि इंटायरली फॉल्स, ये गलत है। ओनली ट्रू फॉर बैंक विद एक्सटेंसिव ओवरसीज ब्रांच। तो क्या कह रहा है कि बैंक जिसके पास बहुत ज़्यादा ब्रांच है दूसरे कंट्री में, वही फॉरेन करेंसी फंड को एक्सेस कर सकती है, लेकिन ये सही नहीं है। बैंक के पास कुछ और भी तरीके होते हैं फॉरेन करेंसी फंड को एक्सेस करने का। ऑप्शन सी कह रहा है कि द स्टेटमेंट इज ट्रू, बैंक कैन यूटिलाइज वेरियस एवेन्यूज टू सोर्स फॉरेन करेंसी फंड। तो ये सही है, बैंक जो है फॉरेन करेंसी फंड जो है अलग अलग प्लेस से भी ले सकती है, वो पैसा बोरो कर सकती है फॉरेन करेंसी में इंटरनेशनल मार्केट से, या करेंसी स्वैप कर सकती है, यहाँ पे वो एक करेंसी को दूसरे करेंसी से एक्सचेंज कर सकती है। ऑप्शन डी कह रहा है कि फॉरेन करेंसी सोलली अवेलेबल थ्रू ईसीबी। देखिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग एक तरीका है जिससे बैंक को फॉरेन करेंसी फंड मिलता है, लेकिन वो एक ही तरीका नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि बैंक एक्सेस टू फॉरेन करेंसी फंड इन्फ्लुएंस देयर डोमेस्टिक ऑपरेशन, ये स्टेटमेंट है। अब ये सही है, ऑप्शन ये कह रहा है कि दिस स्टेटमेंट हैज नो बियरिंग ऑन डोमेस्टिक ऑपरेशन। मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्शन कह रहा है कि बैंक का जो एक्सेस है फॉरेन करेंसी फंड का, वो अफेक्ट नहीं करता कि वो घर पे क्या करते हैं, डोमेस्टिक ऑपरेशन मतलब यही हुआ। तो देखिए इंटरनेशनली क्या हो रहा है वो डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा डोमेस्टिकली क्या हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। फिर इंक्रीज फॉरेन करेंसी फंड सोलली बेनिफिट द बैंक इंटरनेशनल एक्टिविटी, ये जो है दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, ये सजेस्ट करता है कि हमारे पास ज़्यादा फॉरेन करेंसी रहेगा तो वो हेल्प करेगा इंटरनेशनल स्टफ से, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है कि एक्सेस टू फॉरेन करेंसी फंड कैन प्रोवाइड बैंक विद ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजिंग देयर डोमेस्टिक लिक्विडिटी एंड ऑफरिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट। देखिए जब बैंक जो है, जब भी कोई बैंक फॉरेन करेंसी में फंड लेती है तो उसको हेल्प करती है, इट कैन हेल्प देम इन फ्यू वे एट होम। तो कैसे हेल्प करती है होम में, कैसे डोमेस्टिक ऑपरेशन में कैसे हेल्प होता है वो समझिए, वो उसको यूज करती है कस्टमर के नीड को मीट करने में जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व है, अपने पैसे को बेटर मैनेज कर सकेगा जब जब लोकल करेंसी का शॉर्टेज हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन डी कह रहा है कि फॉरेन करेंसी फंडिंग सोलली इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। तो दोस्तों ये ऑप्शन फोकस्ड है डाउन साइड पर, ये सही है कि फॉरेन करेंसी जो है कुछ रिस्क तो लाता है जैसे एक्सचेंज रेट चेंज होता है, लेकिन ये हमें बेनिफिट के बारे में कहा जा रहा है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रेजरी, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का क्या रोल है। पहला ऑप्शन कर रहा है मैनेजिंग पेरोल, तो पेरोल हैंडल करना, एम्प्लॉय बेनिफिट हैंडल करना, ये जॉब है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, ट्रेजरी का डिपार्टमेंट, ट्रेजरी का नहीं है। ओवरसीज इंटरनल ऑडिट एंड फाइनेंशियल कॉम्प्लायंस, तो इंटरनल ऑडिट को ये श्योर करता है कि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूल को फॉलो करे, रेगुलेशन को फॉलो करे। सी कर रहा है कि ऑप्टिमाइजेस कैश फ्लो, मैनेजिंग फाइनेंशियल रिस्क एंड सीक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सही है। देखिए इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का मतलब यही हुआ कि हम कंपनी के पैसे को मैनेज कर रहे हैं स्मार्टेस्ट वे में, राइट। तो इसमें क्या होता है कि हम ये श्योर करते हैं कि हमारे पास एनफ कैश हो जब जरूरत पड़े, हम जो है फाइनेंशियल नीड को मिनिमाइज करते हैं। एंड फाइंडिंग गुड वे टू इन्वेस्ट द कंपनी एक्स्ट्रा कैश टू मेक मोर मनी, ऑप्शन डी कह रहा है कि हैंडल कस्टमर अकाउंट एंड फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन, तो ये भी गलत है। कस्टमर अकाउंट के साथ डील करना, ट्रांजेक्शन के साथ डील करना, ये हमारा डिपार्टमेंट का जॉब होता है, जैसे कि कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट सेल्स, ना कि ट्रेजरी का, तो ऑप्शन सी परफेक्ट है। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द अप्रोच टू मेजरिंग रिस्क इन वेरियस फाइनेंशियल मार्केट, यानी आपको बहुत सारे फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क को मेजर करना है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है सही। पहला ऑप्शन कर रहा है कि इच मार्केट रिक्वायर अ यूनिक रिस्क एसेसमेंट मेथड ड्यू टू स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो प्रत्येक फाइनेंशियल मार्केट का अपना स्पेशल तरीका होना चाहिए रिस्क को मेजर करने का, क्योंकि बाकी ये सभी डिफरेंट है। तो दोस्तों प्रत्येक मार्केट का अपना अपना होता है क्विक्स होता है, लेकिन एक कंप्लीटली डिफरेंट मेथड होना चाहिए सभी के लिए, ये सही नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है कि सिंगल मेट्रिक कैन बी यूनिवर्सली अप्लाइड, तो ये भी गलत है, आप एक ही मेजर को यूज कीजिएगा रिस्क को निकालने के लिए सभी फाइनेंशियल मार्केट में, तो ये भी सही से काम नहीं करेगा क्योंकि सभी के सभी अलग हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि इंडिविजुअल मार्केट फैक्टर एग्जिस्ट अ कोर सेट ऑफ रिस्क प्रिंसिपल कैन बी अडेप्टेड फॉर डिफरेंट मार्केट, तो ये भी सही नहीं है, आप जस्ट एक मेजर को यूज कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि ये सही है, ये कह रहा है कि प्रत्येक मार्केट का अपना अपना करेक्टरिस्टिक्स होता है, तो आप बेसिक सेट ऑफ रूल को यूज करेंगे ताकि रिस्क को मेजर करें, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं प्रत्येक मार्केट के यूनिक ट्रेड के लिए। तो एवन दो मार्केट तो अलग है, लेकिन कुछ बेसिक प्रिंसिपल है जहाँ पे हम जिसको आप सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि करेंसी सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट रिस्क, सो सेपरेट रिस्क असेसमेंट आर नीडेड फॉर इस करेंसी, तो देखिए करेंसी तो रिस्क को अफेक्ट करता है, लेकिन हमें चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे कितना वोलेटाइल मार्केट है, क्या लाइकली है कि लोग खरीदेंगे या बेचेंगे, ठीक है। तो हम कुछ बेसिक रूल को यूज़ करते हैं, वही हमारा ऑप्शन सी कर रहा है।
विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मार्केट रिस्क एसोसिएटेड विद एक्टिविटीज इन डिफरेंट करेंसी एंड मार्केट सेगमेंट। देखिए ऑप्शन ये कह रहा है कि ऑपरेशनल रिस्क रिलेटेड टू द इंटरनल एफिशिएंसी। क्या लगता है ऑपरेशनल रिस्क कैसे रिलेटेड है? तो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है कि रिस्क रिलेटेड टू एक्टिविटीज इन डिफरेंट करेंसी, तो ऑपरेशनल रिस्क होगा क्या? नहीं होगा। रिस्क ऑफ फ्रॉड, तो ये कह रहा है कि फ्रॉड और साइबर अटैक के रिस्क के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है कंबाइंड रिस्क ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन इंटरेस्ट रेट मूवमेंट एंड एसेट प्राइस वैल्यूएशन, तो ये सही है। करेंसी रिस्क क्या होता है कि हमारा एक्सचेंज रेट में चेंज होना, ये अफेक्ट करेगा कितना इन्वेस्टमेंट जो है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का वर्थ है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो ये भी इंपैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को। और प्राइस रिस्क में क्या होता है कि एसेट का प्राइस जैसे स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, वो ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रेजरी इन मैनेजिंग मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क को मैनेज करने में इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का कौन सा रोल है? पहला कह रहा है कि इंप्लीमेंट स्ट्रिक्टर इंटरनल कंट्रोल टू प्रिवेंट एम्प्लॉय फ्रॉड। तो देखिए ये कह रहा है कि एश्योर करना कि एम्प्लॉय फ्रॉड कमिट ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड है मार्केट रिस्क को मैनेज करने से नहीं, ये बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। मार्केट रिस्क का मतलब कि आप जो चेंजेस हो रहे हैं करेंसी रेट में, एक्सचेंज रेट में, उससे रिलेटेड है।